मैंने विश्वास करेंगे एमती आक्सीडेंट सत्तर आप लाइफ में केवे भी देखना थे धर्जर हो तो मुझे टाइम कौन करी मुझे निजक संभा कि संभा बुझीपाल तो मुझे निजक आराम से मैंने ये करू जाना सी कहला मुझे हस्पिटाल फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आशा करुच्ची आपने समस्ते बहुत भलि थे आरोप ब्लॉग आसवा टी लेट है कहीं मो आई डेथ होता तो से दस दिन जाक इपट सेपट हो मन भी भल भल लगन से ब्लॉग टी लेट है आउ लॉन्ग वीडियो आनी पार नी तो आज आज भी सेमती मुझे धई सही काम घर काम एपट कम सेपट कम सब तो आज हूँ मो आई बार दिन मैंने बार पत्र समस्त लोक मैंने खाऊँच मुझे छात उपर पड़े आस भिड करने का भाई भिड करी कहीं कात व्यस्त रही कालीर भिड किसी कि सुट करी आनी कर भी भल लगानी ठीक लगलानी तो से लेट है तो आज बार पत्र खाई सारापर चलत मुझे सहित कथी आज एगार मैंने कालीर एकादशहर जो सब भिड सुट करी से सब आप देखी दिंतु तपुर मुझे जाऊँ जल्दी जल्दी खाई आसी भोक प्रबल लगे ये टाइम है चारिटा आारटा बेलू मुझे लंच कर तो खाइबा भितर आप देखूँ तो खाइक आसलापर मुझे मो आई केमी डेथ होता बहुत ही अजब प्रकार मत तो दस दिन जाक रात टोटाल भी निद होनी दिन जाक जहाँ जमी कम व्यस्त सब सर जाता कि राति मैंने राति मैंने खाली मोर से कथा खाली मन पड़ा तार मुह से जो रक्त सब जिन मन पड़ा तो मुझे आसलापर आपँ कह भिडटी कंटिन्यू रखुद तो ये आम खाइबा पीवा बढ़ा होगा भात आ घाट मुझे खाईदेवी सब जाक ये मुझे एका खाइबी आम चार पाँच जन मिसिक खाऊ तो खाई सर काम लग जा सब रोसवास हो मो गाड़ी सीट थी लुगापटा सब थी बंटा हाँ मोर भी आसपटे कल रोसवास हम ना एट रखा अबे ये लाइट रे कौन देखा जी अभी बड़ लाइट लगा ये देखा लगा ना 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 काजी थी लागो ही देता केंद पके दिले अरे प्यारे लग छी हैंडशेक 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 ए रुरु को नियानी तो के ये भल माने कोन कहलो शांत पिला देसा गोड़न तरे एते एटीट्यूड से गोड़न नहीं होची दुनु ए सॉरी हाथ तो तरे हाथ तो इडा अरे आपुर तो बनी दे देखनो की पिला मणी सचवा हाडवा कोन ए जेजी हे सोते फास्ट को आपुर दबो ना नहीं हैंडशेक देख गोबिया केते बढ़िया कमाडा गला गुड गुड मझी रास्त सोई आधा चार दिन जगह कम कर आराम से अचिंता निदर शो पड़ से हाथ नहीं तोर बहुत आटीट्यूड बुझल गोड़ मेला मेला एटी बिलई सहित टे मजा मस्ती करके पलि आस खा सड़क रोसवास अच्छे देखापी कौन हो भाई आस मो सहित आउप छात उपरू पलि आसली सुट करवाई से लाज लगे उपरू पलि आसली उपरू देखा लोक मैंने खाऊन तो से खाऊन तो मुझे कौन सुट करी आज जो मैंने आनिमल लवर होते हैं निश्चय कमेन्ट जन तो ये चलते तौक को जी कौन हो कौन ना टाइम भी ना सुट करने तो ये जहाँ सब थी कालीर ब्लॉग थी आज बार पत्र में मुझे खाइबी जाऊँच माँ पर आसब तो मुझे जाऊँच मो भाई नहींक जी खाद्य सी खाइब आई मामू घर पूरा सुट कर पारे कहीं घर अधिक कम होती जहाँ एम बाहर देख दिखा समस्त सेयार करी खाया पे सब सरगला मुझे हूँ घरे आसिक पहुँच गली माँ को आनलि से आसब सन्ध्या कहना घर कहीं भी नहाँ माई एकुटिया सब कम करने तो सीता गोटे साइ समस्त जमी कम सरला से घर को सब पलैले तो माँ और माई दिन मिसिक कम सब करेंगे तो मुझे एकुटिया पलि आसली मुझे भाई नी मुझे एकुटिया आसी माँ को आसबी कहीं तीन चार दिन हम से पड़ी कम करुँच त
ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାନେ ରାତିକି ଭାଇ କିମ୍ବା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବେ, ମାମୁଁ ଆସିବେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆସି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ମୋ ଭଉଣୀ ଖାଇନେବି, ସକାଳୁ ପୁରା ଉପାସ ଅଛି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି 5:30 ତ ସିଏ ଏବେ ଖାଉଛି। ଆଉ ମା ଆଈର ଦେହ ଭଲ ଥିଲା, ତାର ମାନେ ମରିବାର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ବୟସ ହେଲେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବୟସ ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମରିବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ କିଛି ରୋଗ ବେମାରୀ ନ ହୋଇକରି ସେ ସେମିତି ମାନେ ପଡ଼ିକି ସେମିତି ମରିଯାଉ, ତାକୁ ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ନ ହଉ ବୋଲି। ତାର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 70-75 ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ଏତେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯଦି ମାନେ ନର୍ମାଲି ମରିଲେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଯେତିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ମୁଁ ସେଦିନଠାରୁ ମାନେ ଆଜିକି 10-11 ହେବ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, ଦିନରେ ଯାହା ଯେମିତି କାମ କରିକିରି ଶୁଆଶୁଇରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମାନେ ବେଡ଼୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋର ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଲଦା ହୋଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ଏମିତିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସତରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଯେଉଁ ରକ୍ତ, ତା'ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ତାକୁ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଯାହା ଥିଲେ। ଦିଦି ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚିଲା ରବିବାର ଦିନ, ସୋମବାର ଛାଡ଼ିକି ମଙ୍ଗଳବାର ମୋ ଆଈର ଡେଥ୍ ହେଲା, ତ ସକାଳେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ସବୁ ଥିଲା, ତ ହଠାତ୍ କିନା ଫୋନ୍ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ, ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ମାନେ କାନ୍ଦିକି ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ମାନେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇକି କଲ୍ କରୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ନମ୍ବରକୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ପୁରାପୁରି ବହୁତ ଜୋରସେ ଡରିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ଜୋରସେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି, ନା ସେ ଚଢ଼େଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଥିଲା, ଏମିତି କହିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ମାଆର ଆଉ ସେ ତ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ, ସେ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଦେଖିଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟଧରା ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବି ନା କି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆରାମସେ ମାନେ ଇଏ କରିକି ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଜାଣା, ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ପୁରା ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ମୋ ମାମୁଁ ଘର, ତ ସେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, ମାନେ ସେମିତି ବସେ ସବୁବେଳେ, ସେମିତି ତା ସାମ୍ନାରେ ବସେ, ଜମା ବି ତାକୁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବସେ, ଯିଏ ଲୋକ ଆସିବେ ମାନେ ବୟସ ହେଲାଣି ନା, ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକିରି ସେ କଥା ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସିଛି ଗୋଟେ କାଠ ଉପରେ, ତ ଗୋଟେ ଜଣେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ତାଙ୍କରି ଆମରି ମାମୁଁ ଘର ସାଇର ଜଣେ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅ ନା କିଏ ଗୋଟେ ହେବେ, ଏମିତି ସେମିତି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ସିଧା ଆଣିଲେ ବାଇକ୍ ପ୍ରପରେ, ତା ଉପରେ ଚଢ଼େଇଦେଲେ। ତ ଆସିଲେ ସିଧା ପୁରାପୁରି ମୋ ଆଈର ଛାତି ଉପରେ ଚଢ଼େଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କିଛି କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ବାହାର ପଟୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେମିତି କିଛି ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ସେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଅଗଣା ଉପରେ ବସିଛି, ତ ତାରି ସାମ୍ନାରେ ରୋଡ଼ଟା, ତ ରୋଡ଼ ସେପଟେ ସେ ବସି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ବସେ, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଝିଅ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ତ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବିନି। ତ ସିଏ ଦେଖିଛି ଯେମିତି ମାନେ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ନାକରୁ ଆଉ ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ମାସ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭଲସେ ଦେଖିନି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଗଳିକି ପୁରା ରାସ୍ତା ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା। ତ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଟୋରେ ସେମିତି ଲଦିକି ନେଇଗଲେ, ତା'ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ନେଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ମାଆକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଗଲା ପୁରାପୁରି, କ'ଣ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଆଣିବି କି କ'ଣ କରିବି। ତା'ପରେ ଆମ ସେ ପାଖାପାଖି ଚାରଛକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚାରଛକ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ଆମେ ପାରିବୁନୁ, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା କଟକ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଲା ବେଳକୁ ହିଁ ତା ବାଟରେ ତା'ର ପିପିଲି ପାଖରେ ତା'ର ମାନେ ବାଟରେ ପିପିଲି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ତ ବାଟରେ ତା'ର ହେଉଛି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତା'ପରେ ମାମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିଲେ କି ମାଆକୁ କେଉଁ ମାନେ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି, ତ ମାମୁଁ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ବୋଉ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ତାକୁ ନେଇକିରି ଯିବି, ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ହାତ ସିତେଇ ଯାଉଛି ପୁରାପୁରି। ତ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯିବା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ନ ନେଇକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ତ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ସେଇ ସମୟରେ କିଛି କାମ କଲାନି। ତ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାତି ଯାକ ସେଠି ରହିଲେ, ତ ପୁଣି ରାତି ଯାକ ରହିଲେ ବି ପୁଣି ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ସେ ମାମୁଁ 2:00 ରାତିରେ ପୁଣି ମାଇଁଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ, ତଳେ କାର୍ରେ ପଠେଇଦେଲେ, ତ କାର୍ ଆସିକି ପଛପଟୁ ପିଟିଦେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲଦା ହେଇକି ଆସେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ରେ 10-gear ଟ୍ରକ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ମାଟି ସବୁ ଲଦା ହେଇକି ଆସେ ନା, ସେଇଥିରେ ସେଇଟା ଆସି ପଛପଟୁ ବାଡ଼ିଦେଲା, ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଡୋର୍ ଖୋଲିକିରି ମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ନହେଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ଚେପା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ପୁରାପୁରି। ତ ଏମିତି ତା'ପରେ ସେଠୁ ତା ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ କି କ'ଣ ହେଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି ମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଆଈର କିଛି ହେଇନି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଥିଲେ ଛାତ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କର, ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଥିଲେ କି ନା ବୁଢ଼ୀ ହେବେ ତା'ର ଏବେ କିଛି ହେବନି, ସେ ଯାହା ବେଳେ ଆହୁରି 5-6 ରହିବ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ମାନେ ଆମ ଏପଟେ ଅଛି ନା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ହିଁ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ନା ଆଈର ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଆସି ଘରେ ବି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ବି ହେଇନି, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାଡ଼ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ତା'ପରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚଢ଼ିଦେଇଛି, ମାନେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼େଇକିରି ମୋ ଆଈ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ମଦୁଆ ଲୋକଟା ସିଏ ପଡ଼ିଥିଲା।
तो एमती कथा बहुत मानते केस खास है सी सब सुलझा सुलझी कले तो से भी पैसा देते जोरीमाना आकार में पैसा देते गोड़ हाथ धरिकी भूल मागिले हेले भूल मागिले आउ कौन आई फेक आसवे ना कौन कर जहाँ भी वयस्क लोक हेले भी सी आमर गोटे सपोर्ट था तो आस्ते आस्ते समस्त खसी जाऊँगी तो समस्ते आस्ते आस्ते खसी जाऊँगी आ मो माँ को संभाला बहुत कष्ट माँ और मो मामू मैंने गोटे गोटे भाई भाई दुजन जाक आने बहुत इमोशनाल होते सी एत जोर से रड़ी कले संभाला सतरे बहुत कष्ट तो मत भी से बहुत जोर से कांद लगेगा आमतीपर तार जो सी जो पोस्टमार्टम है तो से हस्पिटा ना हस्पिटा रखिले मैंने तो पोस्टमार्टम जहाँ भी हम तो आसिकी पर आसे से आईस भितर रखीते तो बडीटा पूरापूरी फ्रिज होता है पर दिन जो कटाकटी कले नर्माल पोजिशन को जो आसा ब्लड पूरापूरी मैंने आप देख तो आप देखते हिं विश्वास करते कि से जिन सुट कर पोजिशन नी ना ही मैंने आपँ को देखे किसी ये कह रण प्रोब्लेम थी तो से मुझे निजे ही संभाली पार नी तो से जिन सुट कर भी संभव नुह तो मैंने आम घर आड़े जोटा जो निज घर प्रकृति में सेपटे मैंने आम पटे कौन कि मानने एमती अच्छी झील मैंने स्त्री लोक मैंने जाती आपण मे कौन अच्छे से कथा मुझे जानी जो मे थ मैंने मशाणी की जाती कि मो मामू घर आड़े कौन मशाणी को पुह पुह मैंने जी झील मैंने जी पुअर पाने जी झीर भी पिला झील पुह से किसी भी ना समस्ते जी आर भी आगुरी गोटे इच्छा था कि मशाणी एक्चुअली कौन हुए कमी पड़ती कौन करती सब जिन देखिए कि आम घर कि आम एपट सैड्रे कहीं भी अलाउ करते झील मैं जीवन कहीं मुझे जानी बोलते डरवा कि कौन पाई मुझे जानी किपटे जो एक कहे काठ पकिया हम जो मैंने मरवे निज लोक मैंने काठ पक घी भी पकेबे तो जितेबाला तो फोन आस तो जितेबले से मैंने आम मुझे गली मुझे फास्ट फास्ट डरी जाती मुझे कहली आम के मशाणी को जीव केमी मानने ये हम डर तो लगे ना कि सब सेठाकर जिते सब मैंने बंधु बांधव झील मैंने समस्ते गले तो से मत भी डर लगे मोर भी आगु मैंने जानवर इच्छा था कि कौन से होली तो आम जा पहुँचला बेलू मैंने अल्प बाट घर ठार मैंने ये तो से पहुँचला बेलू मैंने आप विश्वास करें मैंने मुझे जीत इमोशन में कहूँ आपतीक देह को नेबी कहीं कह रो प्रकार मानने बडी कह रो प्रकार डीज थी हे तो किसी प्रोब्लेम हो पाए तो आपने लाइटली खाली शुणी दिखाँ कि यहाँ यहाँ मैंने सब आड़े कड़े कौन सब प्रथा अच्छे से सब जिनस आम पटे कहीं भी जाती पटे काठ आ जो घी पकाती तो जिते मो आई को पकई काठ आ घी जो दे तो देह जाक केवल ही रक्त था तो से विषय में आलोचना करने आप चाहूनी कि बड़ मानते दुर्घटना घटला मत आम समस्ते घर बहुत दुखित आ मो आईर पिला मैंने मो माँ और मो मामू बहुत ही दुखित से मैंने कहीं सी गोटे सपोर्ट भाया गोटे बसी किसी कम करू न करूँ गोटे सपोर्ट भाया था सेमती नर्माली डेथ होता है सेम नर्माल ही लगता था एक्सीडेंट होती समय जीत कष्ट आपने भाभी पड़े तो आम आड़े यही सब मानते मो मामू घर आड़े यही सब जिन अच्छी मैं आप सेयार कली जदि ये सब जिन मैंने आप थी कि किए सुपरस्टिशन मानु थे आप कमेंट सेसन में जनवे आ विषय में आम कथ हेनी तो भले भले कार्य भी सरगला तो से ब्लग मैंने करी डिप्रेसन में थी ये सब जिन मत बहुत ही सबुद राति मैंने मोर मन पड़ जाता से जिन कमी मैंने एक्सीडेंट है कमी एत सारा ब्लड एत मैंने एकाठी एत सब ब्लड देखिकी मुझे बहुत ही पूरा डर जाती माँ को कमी संभा मामू घर लोक से पूरा कांदी बोबे पूरा गड़ूते कमी संभाली से सब जिन बहुत ही कष्ट होता है मो सांगसाथी समस्ते जो मैंने भी कल करते मुझे क्या कल रिसीव कर पारी तो एमती कथा सब दिन सब पूरा सरगला बहुत ही भल मो आई मैंने पैसा पत्र दबारे बुढ़ी लोक मैंने पुराण किला लोक सी टे कंजूस कि मैंने आमपाई सब तरह चिंता थी सी कौटी पाठ पढ़ला कौ मैंने कौ डिजन में पास कला कौन एवं कम कर तार ज्वाई कौन कर सब जिन आमपाई कौन सब पी मैंने सब नाती नातनी मानी तार सब मुंडे टेनसन थी कि पैसा कितना क्या से खर्च करें टे कंजूस टाइप रुँ मन भितर सब भाव थे तार भल हो सब आम फिल कर जिनसा आम गला मैंने सब खाली कह आम पाक आसे मो पाखे बस मैंने वयस्क लोक जहाँ जमी समस्ते तो सामान ना गोटे प्रकार ना तो सेमती का पड़ेगा भी दुख भी लगुच मोर अनुरोध रहा आप कथा भी सेयार कली तो आपँ जदि मैं किसी भूल भाल लगी कि हट हो कि खराब लगे तो मतलब क्षमा करदे सान भाई सान भौणी कि बड़ भौणी कि सांग भाविक क्षमा करदे जदि ये तो आपँ से सेयार कर कारणटा ही ये कि मुझ ब्लॉग करी कौन कर आउ इंस्टाग्राम भी किसी जन पचारे कि कहीं करन बोली छोटमोट ये मोर एत बड़ फैमिली है तो आपण दया मोर बहुत बड़ फैमिली हम बहुत बड़ ड्रीम अच्छी मोर आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे सेयार करेंगे लाइक करेंगे आउ मत सपोर्ट करेंगे तेणु जदि किसी भूल होती है तो सान मन भाविक क्षमा करदे जब यह सब जिन भावुवे जब आप सेयार करवाटा भूल बोली तेल मतलब क्षमा करदे तो ये पूरा मानते गरम ओडिशा तो प्रबल हो भाई चेन्नई रू जाशा आसी पहुँचे टे मैंने फ्री लगे टे मैं थंडा थंडा लगे कि गरम हो मैंने बिलिव कर पारे चेन्नई में कि गरम मुझे भल थी एत जोर से गरम लगे तो देखिए चेन्नई कौन दिन जाऊँगी कौन कर आज ब्लॉगटा को ये एंड करवा।
तो आगको आहरी भल भल ब्लग अन्य ब्लग देखा मो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ अन्य सांग सहित सेयार करूँ आउ इंस्टाग्राम भी मोस्त जॉइन करेंगे आउ देखा पुनः नेक्स्ट ब्लग से समस्त बहुत भल रुँ खुशी रुहतु प्रभु जगन्नाथ आप मंगल करूँ आज रही जय जगन्नाथ बाय बाय।